मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से आप सबका आदर करता हूँ, मान और सम्मान करता हूँ। भगवान शिव को आप सुन रहे हैं। सांप, बिच्छू, कांतर, बेलपत्र, रुद्राक्ष, ये सब शिव के गहना हैं, गहने हैं, ये उनके आभूषण हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। यदि जो लोग अपने आप का कल्याण चाहते हैं तो आपके पास जो भी है उसे भगवान का गहना बना दो। आपकी संपदा, संपत्ति, परिवार सबसे पहले ईश्वर के लिए हो। पहले तो ये कहते हैं भगवान आपकी बड़ी कृपा होगी और आप एक बेटा दे दीजिए। बेटा जन्म ले लेता है तो एक भी बार उसे ये नहीं कहते कि बेटा तू भगवान की कृपा से हुआ है, तू भगवान के काम कर, प्रभु के काम कर, अच्छे काम कर। रामायण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है, महाराज दशरथ को जब कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ भगवान ने उनको एक ही जगह पर चार दिए। विश्वामित्र जी ने आकर के दो की मांग कर ली। दशरथ राजा देने को जब तैयार नहीं हो रहे थे तो विश्वामित्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही। श्री विश्वामित्र जी ने कहा था, राजन तुम्हारी संतान नहीं थी, ऐसी स्थिति में भगवान यज्ञ ने, यज्ञ नारायण ने आपको चार संतान दिए। जैसे यज्ञ देव ने आपको चार दिए, उस यज्ञ देव की रक्षा के लिए आप दो नहीं दे सकते, कैसे आदमी हो तुम? बात समझ में आ गई। और जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को दे दिया था विश्वामित्र के हाथ, सीधा सा प्रणाम है, भक्ति महारानी उसके घर में चल करके आ गई। आपकी संतान संपदा भगवान के लिए होगी, ईश्वर के लिए होगी, धर्म कर्म के लिए होगी, तो भक्ति मंदिर में कम, आपके घर में ज्यादा होगी, शांति आपके घर में होगी। आप पैसा रुपया भगवान को लगाते हैं, अच्छी बात है, अपनी संतति को भी ईश्वर से जोड़िए। धन्य माता सुनीति जिसने अपने बेटे को भगवान से